है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू टुडेज़ व्लॉग। अभी अभी सो के उठा हूँ, कल बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि ट्रैवल प्लस पायल को कल ही बीच जाना था तो काफ़ी लेट हो गया था। आशु अभी भी सो रही है और पायल फिर सुबह सुबह बीच पे निकल गई फ्रेंड के साथ। सो अभी मैं उठा हूँ, मैं फटाफट फ्रेश होऊंगा, चाय पीऊँगा और उसके बाद उसकी उस टाइम तक शायद पायल होपफुली वापस आ जाएगी, तो फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे ब्रेड एंड बटर। मोस्ट प्रोबली हम जाएंगे कैंडोलम बीच और वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, खाना वाना खाएंगे और उसके बाद हम कहीं देखते हैं कि शाम को कहीं घूमने वूमने जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बन रही है हमारी चाय। Airbnb का पूरा यूटिलाइजेशन अगर किसी ने किया है तो वो पायल ने किया है। देखो रात में उसने कपड़े भी धो लिए सारे। बहुत तेज भूख लगी थी गाइस, चाय बनने का वेट नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने कहा पहले एक ब्रेड बटर खा लेते हैं तो उसका चाय के साथ खाएंगे। ये हमारा जो होगा साथी होगा चार दिन का, ये इसमें हम हर जगह घूमने वाले हैं। ये हमारा वाहन है, वाहन। तो जी गाड़ी का इंतजाम हो गया है, मैंने सनस्क्रीन भी लगा लिया ताकि थोड़ा बहुत कम इम्पैक्ट पड़े। और फिलहाल मैं आशु और हम सब जा रहे हैं गोवा वाली बीच पे। ये आशु की फोटो खींच ले। अरे नीले नीले समुंदर है, नीले नीले अंबर पे पीला पीला समुंदर नहीं है। हाथ ले लेते भैया, गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा। हम आ रहे थे बीच पे, जाने से पहले एक दुकान वाले भैया ने रोका और हम सबको टोपी पहना दिया। वाओ वाओ आशु का हेड। आशु को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बहुत रो रही है। अभी जैसे हाई टाइड चल रहा है ना तो बहुत तेज आवाज़ आ रही है पानी की, तो जैसे ही वो आवाज़ आती है तो बहुत ज़्यादा डर जाती है उसको। किसी तरह से मैं उसको सेटल करने की कोशिश कर रहा हूँ, अदरवाइज सारा सारा फन स्पॉइल हो जाएगा। देखो गिरने वाली है, पूरा उल्टी उल्टी करके मैडम ने पूरी उल्टी करी है और हम लोग को बीच से खींच के यहाँ ले आया शैक अंदर, मतलब रेस्टोरेंट में। ये नहीं रुक रही है बीच में, इसको धीरे धीरे एडजस्ट करना पड़ेगा। बैक ट्रिप करा रही है बीटी। नहीं नहीं हो जाएगा, बढ़िया एडजस्ट होगा। ये भी देखो कितना खुश है, यहाँ खुश है वाले का पूछ। वहाँ अभी हाई टाइड है ना पायल का। Thank you.
बीच पे बैठ के ऐसे खाना खाने का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल। बीच से वापस आ गए और अभी चल रहा है हमारा इवनिंग स्नैक्स, और इवनिंग स्नैक्स में गीतिका ने बनाई है बहुत अच्छी सी मैगी। परेशान किया है ना, जब हम मजे कर रहे थे तब ये हमें रुला रही थी, और जब हमारा आने का टाइम हुआ तो मैडम को सैंड में खेलना था। तो जी हम जा रहे हैं बागा बीच, दिन में हमने मजे किए कैंडोलिम में, अभी जा रहे हैं हम बागा बीच में, और ये हमें बहुत खूबसूरत सी इमारत दिखी है, चर्च है, और हमने सोचा कि हम आपको भी दिखा दें। और यहाँ पर ये बस स्टैंड है, देखो गोवा में बस स्टैंड ऐसे होते हैं, अगर आप गोवा कभी आए नहीं हो तो देख लो। आई लव कैंडोलिम गोवा। reached Baga, और आज का ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है, और आप समझ गए आशु ने क्या बोला कि हम यहाँ पर आए हैं, मस्ती करेंगे, ढेर सारे डिनर करेंगे और उसके बाद घर वापस चले जाएंगे। बाय द वे यार, मैंने आपको अपना आज का अभी आउटफिट दिखाया नहीं, आया देखा हमारा आशु का आउटफिट, फूल पत्ती वाली ड्रेस पहन, कहाँ हो तुम, दिख नहीं रही हो, सामने आओ, लिखा हुआ है टैटू, पोस्टल स्टूडियो है। याद है लास्ट टाइम हम आए थे क्या? हाँ याद है, लास्ट टाइम मंडला जिला के टीटोस में जाने का मन था, वो भी एक टाइम था जब टीटोस में जाने का मन था और हम इसलिए भी गए थे, कपल एंट्री 1500 की थी। गोवा वाले बीच में रानी आंखें मीच के, ठंडी ठंडी बियर पियेंगे, दोनों फोटो खींच के, गोवा वाले बीच पे रानी आंखें मीच के, ठंडी ठंडी बियर पियेंगे, दोनों फोटो खींच के, खींच के खींच के खींच के, आंखें मीच के आंखें मीच के आंखें मीच के, हर हर